नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। रुद्रपुर हल्द्वानी में भाईचारा एकता मंच की मजबूती के लिए संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों में आपसी सामंजस्य होना जरूरी है। आपसी सामंजस्य बनाकर ही कोई भी संगठन ऊंचाइयों को छू सकता है। भाईचारा एकता मंच आज जिस जगह है उसमें सभी संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों के आपसी सामंजस्य का योगदान है। उक्त विचार भाईचारा एकता मंच की नैनीताल जनपद की कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष केपी गंगवार ने कहे। आपको बता दें कि भाईचारा एकता मंच जनपद नैनीताल की बैठक हल्द्वानी में चंपा चिलबाल के आवास पर संपन्न हुई। संगठन में सभी पदाधिकारियों से संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हर वार्ड व हर क्षेत्र में संपर्क कर कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए गए। संगठन की नैनीताल जनपद के जिला अध्यक्ष चंपा त्रिपाठी ने सभी जिले व महानगर हल्द्वानी के पदाधिकारियों से शीघ्र पूरे जनपद में कार्यकारी गठन कर हर महीने बैठक कर संगठन के कार्यों की समीक्षा करने को कहा। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष चंपा त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष भवानी बिष्ट, जिला महामंत्री मंजू शाह, नीता आर्य, नलिनी गंगा कोटली, देवकी बिष्ट, देवकी करणपाल, कमला बिष्ट, रेखा दुर्गापाल, किरण कश्यप, चंपा चिलबाल आदि मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। बहुत किया चंपा, मुझे मेहनत की है, मैं समझता हूँ कागज तारी पे इतनी मेहनत बहुत कम लोग कर पाते नहीं। सर चंपा ले लीजिए मेरे साथ के ये सब लोग इतने जितनी मैं क्या कर मैं अकेली नहीं हूँ। जो मेहनत की है लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट नहीं, उसका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं निकल पा रहा है, देखिए मैंने आपको पहले दिन जिस दिन मेरी मुलाकात हुई थी आशा शुक्ला के, उसी दिन ये कहा था कि आप एक अपना स्थान बनाइए। सर आप कोई पॉइंट बताइए ना, अभी ये वाला भी हमारा परमानेंट तो है नहीं, यहाँ पे भी इनकी मीटिंग्स चलती है, हमारा नहीं हो पाता ना, कभी कभी हो पाता है। आप सबके आप परमानेंट पे आके बैठे नहीं खड़े हैं, कार्यालय अपने दीदी का अपना पुस्तक कार्यालय है, वो ना हुआ कार्यालय खोलने के लिए कोई दिल्ली बैठना तो है नहीं वहाँ जाकर। मेरी बात आपका अपना घर, मैंने भवानी आपका घर लेगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।